दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में दो लोग 350 रुपीस में क्या क्या खा सकते हैं, चलो आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आए थे मनोहर ढाबा पे, यहाँ का ओवरहाइप्ड जापानी समोसा खाने के लिए। यार ये समोसा कम लेड पेटीज ज्यादा लग रही थी, इसका प्राइस था 40 रुपीस और इसका टेस्ट भी हमें इतना कुछ खास नहीं लगा। नेक्स्ट हम गए थे शीशगंज गुरुद्वारा के सामने श्री बालाजी चाट भंडार पे, वहाँ के फेमस कांजी वड़ा खाने। 3 दिन तक राई के पानी को फर्मेंट करने के बाद जो इसका टेस्ट आ रहा था ना यार, मैंने 60 रुपए में शायद ही ऐसे कांजी वड़े कहीं खाए। उसके बाद हम गए नवरंग स्नैक्स एंड फूड पे, जहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हुए थे यहाँ की देसी घी वाली बाहुबली जलेबी लेने के लिए। और यार आप मानोगे नहीं, एक सिंगल पीस का प्राइस 110 रुपए था। भाई जलेबी का टेस्ट एक नंबर था, बट हमसे तो पूरी खाई नहीं गए, हम इसको घर पे पैक करके ले गए। अब चांदनी चौक और पराठे वाली गली ना जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया 100 रुपीस का एक यूनिक रबड़ी पराठा। आई नो ये थोड़ा डिस्गस्टिंग लग रहा है, लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी था यार, ऐसा लग रहा था हम खीर पूरी खा रहे हैं। पराठे वाली गली में ही हमने वहाँ की स्पेशल मलाई लस्सी ली 60 रुपीस में, बट उसमें 10 रुपए का भी टेस्ट। लस्सी कुछ ज्यादा ही मीठी थी, ऊपर से 60 रुपीस वाली क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही नहीं। यार छज्जे पे टंके गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, सारे बंदर के लिए एक लाइक तो बनता है।